नमस्कार, पत्रिका टीवी के इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक उदेनिया। तो कैसा रहेगा आपका आने वाला समय और क्या कहती हैं आपकी राशियां, जानेंगे हम इस कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित आलोक पंड्या जी। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक पंड्या जी से हम जानेंगे कि आपका आने वाला सप्ताह 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच कैसा रहेगा और क्या कुछ कहती हैं आपकी राशियां, इसके बारे में जानेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे सबसे पहली राशि मेष के बारे में। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जो 27 जनवरी से 2 फरवरी का सप्ताह है और इसके बारे में हम बताएं, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि शनि का परिवर्तन हुआ है। देखिए, 24 जनवरी को शनि का राशि परिवर्तन हुआ है और शनि राशि परिवर्तित करके धनु से मकर राशि में गए, इसलिए कई लोगों को शनि की साढ़े साती से राहत मिली है और कई लोगों को शनि की साढ़े साती या ढैया प्रारंभ भी हुआ है। तो इस ये शनि के राशि परिवर्तन के बाद में पहला सप्ताह है, इसलिए अब हम सबसे पहले, जैसे कि आपने कहा कि मेष राशि का भविष्य कैसा रहेगा, तो आइए सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बताते हैं। देखिए, मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करने वाला है। सोमवार मंगलवार को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यापारी वर्ग के लिए समय अनुकूल है। अधिकारी वर्ग आपके कामकाज की प्रशंसा करेगा। इस अवधि में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन देखिए, बुधवार और गुरुवार को वाहन मशीनरी से आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अचानक चलते हुए काम रुक जाने की स्थिति बन रही है। मानसिक तनाव रह सकता है और त्वचा एवं रक्त संबंधी विकार भी रह सकते हैं। तो सप्ताह के मध्य में जरूर सावधानी रखना है, लेकिन शुक्रवार दोपहर से स्थिति आपके अनुकूल हो जाएगी। परिवारजनों का सहयोग प्राप्त होगा सप्ताह के उत्तरार्ध में और कार्यों में प्रशंसा और यश प्राप्ति के भी योग रहने वाले हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस राशि के जातकों के लिए मध्य का समय जो है थोड़ा सा मुश्किल भरा है, लेकिन बाकी अच्छा रहने वाला है। तो पंडित जी, क्या करना चाहिए मेष राशि के जातकों को इस दौरान? देखिए, मेष राशि के जातकों को मंगल का दान इस सप्ताह कर देना चाहिए। मंगल का दान करने से उनके बिगड़े हुए काम बनेंगे, कार्यों में अनुकूलता प्राप्त होगी। और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए, अपरिचितों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आप, हो सकता है कि कहीं कोई अपरिचित आपका लाभ उठाने की कोशिश करे, तो उनसे थोड़ा सा बच कर रहे। तो अब बात करेंगे अगली राशि के बारे में, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि क्या कुछ कहती है इस बार, वृषभ राशि के बारे में आपसे विस्तार से जानेंगे। देखिए, वृषभ राशि के सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शानदार हो रही है। कार्यालय में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की संभावना नज़र आ रही है और अब ऐसा लग रहा है कि ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिलेगी उसमें आप अपना अच्छा प्रदर्शन भी करके दिखाएंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पितृपक्ष से सहयोग मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि पिता की तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाए। और व्यापारियों के लिए समय की शुरुआत, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। व्यापार में तेज़ी होगी, बिकवाली तेज़ी होने से कहीं ना कहीं मन में संतोष रहेगा। व्यापारी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी परीक्षा में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। परिवार में कोई नया वाहन भी आ सकता है और शनि का ढैया जो है आपका समाप्त होने के कारण कहीं ना कहीं आप एक सकारात्मक, आपके अंदर ऊर्जा नजर आएगी। आप जो है कहीं ना कहीं सकारात्मकता की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। शनिवार और रविवार थोड़ा सा मुश्किल भरा हुआ रह सकता है। अनापेक्षित खर्च हो जाने के कारण मानसिक तनाव रह सकता है और भविष्य को लेकर चिंता भी रह सकती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सप्ताह के अंतिम 2 दिनों को छोड़कर संपूर्ण सप्ताह शुभ फल प्रदान करेगा जी। तो वृषभ राशि के जातक क्या करें और क्या ना करें? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह सूर्य को जल अर्घ देना चाहिए। अगर सूर्य को जल अर्घ देंगे तो उनके कामों में अनुकूलता प्राप्त होगी। और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए, उनको कार्यों को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो कुछ भी काम है, जो सामने है, उसको उसी दिन निपटा लें, नहीं तो ये पेंडेंसी उनको मुश्किल दे सकती है जी। निश्चित तौर पर काम को उसी दिन निपटा लें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो पंडित जी, अब बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो क्या कहती है मिथुन राशि? देखिए, मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि का अष्टम ढैया प्रारंभ हुआ है। थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो खड़ी कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा शनि के प्रति आपको सावधानी अब रखना पड़ेगी। हालांकि ये जो सप्ताह है ये आपको अनुकूल फल प्रदान करने वाला है। अचानक कोई ऐसा शुभ समाचार या संदेश मिल सकता है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, तो एक ऐसे संदेश की प्राप्ति हो सकती है। लंबी दूरी की यात्रा भी इस सप्ताह में
हो सकती है। अधिकारी वर्ग जो है आपके कामकाज पर जो है कहीं ना कहीं विश्वास करेगा, आपके सुझावों को मानेगा और एप्रिसिएशन भी आपको कार्यालय में मिलती हुई नजर आ रही है। सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा विवाद हो सकता है, इसलिए आपके जो सबॉर्डिनेट हैं या सहकर्मी हैं उनसे थोड़ा सा आपको सावधानी बरत कर रखना है। राजनीति से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण पद या जिम्मेदारी मिल सकती है और व्यापारी वर्ग को भी निवेश में करने से पहले कोई ना कोई अपने जो उनके जो सलाहकार है उनसे विचार विमर्श कर लेना चाहिए। जी निश्चित तौर पर, तो इनको क्या करना चाहिए और क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को शनि का दान कर देना चाहिए। शनि का दान करने से कहीं ना कहीं जो शनि का जो ढैया उनको प्रारंभ हुआ है वो उनके लिए जो मुश्किल होगी उससे अनुकूलता प्रदान करेगा। और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए काले कपड़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यथासंभव हो काले कपड़े पहनने से इस सप्ताह बचे। बिल्कुल, काले कपड़ों का धारण नहीं करना चाहिए, काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तो अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो पंडित जी, कर्क राशि के जातकों के लिए क्या कुछ है इस हफ्ते में? देखिए, कर्क राशि के जातकों को सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका खान पान और आहार विहार जो है मौसम के अनुकूल ही रखें तो बेहतर होगा, वरना थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। और बुधवार से पहले का जो समय रहेगा वो थोड़ा सा मुश्किल वाला है, लेकिन बुधवार से आपको अनुकूलता होगी, भाग्योन्नति के योग रहेंगे, लंबी दूरी के यात्रा के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह में कहीं ना कहीं आप किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, किसी शादी ब्याह में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको कार्यस्थल पर आप अपनी दक्षता और मेहनत जो होगी आपकी उसकी प्रशंसा होगी। अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त करने के लिए या विश्वास अर्जित करने के लिए भी ये समय अनुकूल है। तो आप ऐसा कुछ करिए जिससे कि कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर अधिकारी आपके करीब आ जाए। पंडित जी, क्या कुछ उपाय और सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, कर्क राशि के जातकों को मंगलवार को हनुमान मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। अगर मंगलवार को दीपक जलाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको उनके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाएंगे। और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए व्यर्थ विवादों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर व्यर्थ विवादों को बढ़ावा देंगे तो मुश्किल हो सकती है। जी निश्चित तौर पर, विवादों को बढ़ावा देंगे तो मुश्किल हो ही सकती है। तो पंडित जी, सिंह राशि के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ कह रहा है आने वाला सप्ताह सिंह राशि के लिए? देखिए, सिंह राशि के जातकों को पारिवारिक अनुकूलता के साथ ही दांपत्य सुख की प्राप्ति मिलती हुई नजर आ रही है। अब जैसा कि सप्ताह की शुरुआत हुई है, बढ़िया परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण है, कहीं ना कहीं कोई अतिथि भी आपके परिवार में आया हुआ है, घर में आया हुआ है, तो हास परिहास का वातावरण है और किसी से बहुत अधिक निकटता या मधुरता के संबंध भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सप्ताह की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन बुधवार और गुरुवार को मानसिक तनाव की स्थितियाँ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कार्यों में थोड़ा सा अवरोध हो जाएगा, उसके कारण आप टेंशन में आ जाएंगे और आप हो सकता है कि एक से अधिक काम हाथ में ले लें और इसके कारण भी आपको थकान हो सकती है। इस अवधि में आपको स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए, लेकिन सप्ताह का उत्तरार्ध अच्छा है। शुक्रवार की दोपहर से समय आपके अनुकूल हो जाएगा और जब शनिवार रविवार है उसमें अचानक कोई एक शुभ समाचार मिल सकता है, युवाओं को कोई जॉब की ऑफर मिल सकती है और कोई लंबी दूरी की यात्रा के योग भी सप्ताह के उत्तरार्ध में होते हुए नजर आ रहे हैं। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी और मानसिक तनाव भी हो सकता है, तो क्या कुछ सावधानियां बरती जाए इसके लिए? देखिए, आपको जो है अगर आप चाहते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या न रहे, कार्यों में अवरोध ना आए, तो आप सूर्य को जो है जल का अर्घ दीजिए। कहीं ना कहीं सूर्य का जल का अर्घ देने से आपकी परेशानी जो है वो समाप्त होगी और कार्यों के निष्पादन में लापरवाही ना बरते। लापरवाही बरतेंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। जी निश्चित तौर पर, लापरवाही बरतेंगे तो मुश्किल होगी। तो पंडित जी, अब अगली राशि की तरफ चलते हैं, बात करते हैं कन्या राशि की। तो क्या कहती है कन्या राशि? देखिए, कन्या राशि को अष्टम ढैया चल रहा था शनि का, जो कि अब समाप्त हो गया है। तो ये अष्टम ढैया समाप्त होने से कहीं ना कहीं तनाव से मुक्ति का अनुभव आप करेंगे और कोई महत्वपूर्ण कार्य भी आपका पूर्ण होने से आपको मानसिक संतोष भी आपको प्राप्त होगा। सामाजिक एवं पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने के योग नजर आ रहे हैं। परिवार में कोई मेहमान आ सकता है, इसके कारण आपकी व्यस्तता बढ़ जाएगी और काम का बोझ तो आप महसूस करेंगे, लेकिन इसे निष्ठा के साथ इस काम को कीजिए क्योंकि ये काम आपको भविष्य में कहीं ना कहीं लाभ देने वाला है। देखिए, इस सप्ताह में आपको जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ नजर आ रहा है और लाइफ पार्टनर के सहयोग से आप कोई महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। आप किसी पार्टी या कोई वैवाहिक कार्यक्रम में आयोजन में आप जा सकते हैं, वहाँ आपकी सहभागिता रहेगी, वहाँ आपका समय भी जो है व्यतीत होगा। सप्ताह के जो अंतिम दो दिन है वो थोड़े से सावधानी बरतने वाले हैं क्योंकि मौसम की प्रतिकूलता आपको परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या रह सकती है। तो शनिवार रविवार को आपको थोड़ी सावधानी रखना चाहिए। पंडित जी,
क्या करें कन्या राशि के जातक और क्या ना करें? देखिए, कन्या राशि के जातकों को जो है इस सप्ताह भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करना चाहिए, उससे आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे और आपको कामों को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। काम जो है आप कर डालिए, उसको पेंडिंग रखने से कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल हो सकती है या अधिकारी वर्ग आपका नाराज हो सकता है। बहुत अच्छी जानकारी दी पंडित जी आपने। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे और जानेंगे अगली राशियों के बारे में। तो अब जल्दी हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो टॉक में, जहां हम बात कर रहे हैं अलग अलग राशियों की और जान रहे हैं कि क्या कुछ कह रहा है आपका आने वाला सप्ताह। तो हमारे साथ पंडित जी लगातार मौजूद हैं। पंडित जी, अब हम अगली राशि की तरफ चलते हैं और बात करते हैं तुला राशि। बिल्कुल, देखिए तुला राशि के जातकों के लिए ये जो है शनि का जो है चतुर्थ ढैया प्रारंभ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव कार्यावरोध की स्थितियां बन सकती है। इसलिए अब जो है आने वाला जो समय है उसमें आपको थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए और ख़ास करके जो बड़े निर्णय होते हैं उनमें थोड़ा सा अपने शुभचिंतकों से सलाह कर लीजिए, थोड़ा सोच समझ लीजिए, जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि ये शनि का जो चतुर्थ ढैया होता है वो थोड़ी सी मुश्किल खड़ी कर सकता है। ये जो सप्ताह है इसमें आप कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी जो विचारधारा होगी वो दार्शनिक एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हो जाएगी। आप किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में जुड़ सकते हैं और कोई डोनेशन या दान भी आप अपनी तरफ से करते हुए नज़र आ रहे हैं। परिवार का सहयोग इस सप्ताह आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई आपके जो काम होंगे अगर उनमें थोड़ी रुकावट आएगी तो परिवार के बड़े लोग आपका सहयोग कर सकते हैं और सप्ताह के अंत में आप किसी पिकनिक पार्टी या भ्रमण पर्यटन या किसी सैर पर भी जा सकते हैं। कार्यस्थल पर थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, हो सकता है आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल करें, इसलिए आपको अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहिए। अगर आप क्षमता के साथ काम करेंगे, मेहनत के साथ काम करेंगे तो फिर कोई भी आपके आगे नहीं टिकने वाला है। तो क्या कुछ सावधानियाँ और उपाय तुला जाति के जातकों को करना चाहिए? देखिए, तुला राशि के जातकों को शनिवार को शनि देव को तेल से अभिषेक कर दीजिए, क्योंकि आपका ढैया शुरू हुआ है शनि का, तो आप शनिवार को तेल से शनि भगवान शनि देव का अभिषेक करिए। आपके जो है कामों में जो मुश्किल है वो समाप्त होगी और आपको क्या नहीं करना चाहिए तो आपको काले कपड़ों के प्रयोग से इस सप्ताह बचना चाहिए। जी बिल्कुल, काले कपड़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। तो पंडित जी, अब अगली राशि की तरफ चलते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो क्या कुछ कह रही है वृश्चिक राशि इस हफ्ते? देखिए, वृश्चिक राशि के लिए अब जो है अच्छा समय शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शनि की 7.5 जो पिछले 7.5 से चल रही थी 7.5 वर्षों से वो समाप्त हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप एक मानसिक तनाव और जो आपके बर्डन था वो आपका समाप्त हुआ नजर आ रहा है। आपको अनुकूलता का अनुभव होगा और लंबे समय से काम जो आपके रुके पड़े थे, अटके पड़े थे, वो भी कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस सप्ताह की बात करें, क्योंकि चंद्र के गोचर के हिसाब से, तो सप्ताह के जो शुरुआत के 2 दिन हैं वो थोड़े से पारिवारिक तनाव और कलह के होते हुए नजर आ रहा है। परिवार में थोड़ा सा हो सकता है कि किसी बात को लेकर बहस हो जाए आपके लाइफ पार्टनर के साथ में, इसलिए उस लाइफ पार्टनर के साथ बहस को लंबी मत खींचिए और कोशिश करिए कि अपनी तरफ से कोई ऐसी बात ना बोलिए जिससे किसी को बुरी लग जाए। बुधवार से आपकी स्थितियां अनुकूल होती हुई नजर आ रही है। बुधवार से जो है विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, परीक्षा में उनको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। धार्मिक कार्यों को लेकर कोई लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, अचानक कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है और कार्यालय में आपको कोई ऐसा काम या दायित्व मिल सकता है जिसमें आप परिश्रम और दौड़धूप की जरूरत होगी, लेकिन आपको वो काम करना चाहिए। अगर आप परिश्रम करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको अनुकूल मिलने वाले हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो सप्ताह के शुरुआती दिनों को छोड़ दिया जाए तो ये सप्ताह आपका अच्छा गुजरने वाला है। पंडित जी, क्या कुछ सावधानियां और उपाय बरतने चाहिए जातक? देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को मंगल का दान इस सप्ताह कर देना चाहिए। मंगल के दान करने से आपकी जो मुश्किलात है वो समाप्त हो जाएगी और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको अपनी वाणी पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हो सकता है कि आपकी वाणी से कोई ऐसी बात निकले जो आपकी परिस्थितियों को बिगाड़ दे। जी निश्चित तौर पर वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। पंडित जी, अब अगली राशि की तरफ चलते हैं, बात करते हैं धनु राशि की। तो क्या कुछ कह रही है धनु राशि इसके बारे में जाने? देखिए, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, कहीं ना कहीं आप में एनर्जी भी है और आप उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं अपने काम में भी
डाइवर्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। हो सकता है कि आप कोई एक्सरसाइज, योगा या खेलकूद में आपका समय व्यतीत हो और आप अपने आप को फिट भी महसूस करेंगे और आपके कामों में भी वो रिफ्लेक्ट होगा। मित्रों और भाइयों का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं सप्ताह का शुरुआत तो अच्छी हो रही है, लेकिन बुधवार गुरुवार को थोड़ी सी समस्या नजर आ रही है। बुधवार गुरुवार को भविष्य को लेकर चिंता हो सकती है और कार्यस्थल पर अधिकारियों से विवाद या बहस की स्थिति भी बन सकती है। वाहन आपका खराब हो सकता है जिसके कारण आप तनाव में आ जाएंगे या आपका समय और आपका पैसा भी वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो मध्य में थोड़ी सी सावधानी रखना है। लेकिन शुक्रवार शनिवार को फिर जो है अनुकूलता निर्मित हो जाएगी, विद्यार्थियों को जो है प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी और अपने परिवार के साथ आप किसी मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। और कोई हो सकता है कि आपने पहले कोई परीक्षा दी हो, कोई इंटरव्यू दिया हो, तो वो भी उसका परिणाम आपके अनुकूल में आ जाए, आपको कोई शुभ समाचार भी सप्ताह के अंतिम दो दिनों में मिल सकता है। पंडित जी, क्या करें और क्या ना करें? देखिए, आपको जो है बृहस्पति कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आप बृहस्पति कवच का पाठ करेंगे तो कार्यों में अनुकूलता प्राप्त होगी। और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, एक से अधिक काम आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक समय में एक काम को लीजिए और उसको समाप्त करिए, वरना एक साथ काम ले लेंगे तो थोड़े से मुश्किल में आ जाएगी। जी, निश्चित तौर पर एक समय पर एक ही काम हाथ लें, एक से ज्यादा काम लें तो मुश्किल हो सकती है। तो पंडित जी, अब अगली राशि की तरफ चलते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, मकर राशि में शनि का प्रवेश हुआ है, तो आपकी राशि में शनि का प्रवेश होने से शनि की साढ़े साती तो आपको है। अब शनि की साढ़े साती का दूसरा ढैया तो शुरू हो गया है, लेकिन चूंकि आपकी ही राशि में शनि आए और स्वराशिस्थ हो गया, इसलिए आपको मानसिक अनुकूलता और शांति का अनुभव होगा। जो अभी पिछले ढाई साल से जो स्थितियां चल रही थी उससे थोड़ी सी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखा जाए कि यह सप्ताह कैसा रहेगा, तो सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। आप अपनी वाक्पटुता और वाणी से लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई काम आपका जो है बिगड़ रहा होगा या मुश्किल होगा, तो आप अपनी बातों से ही लोगों को बना लेंगे। स्थायी संपत्ति या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला भी आपके पक्ष में उसका निर्णय हो सकता है। पद और पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती हुई नजर आ रही है और लंबे समय से कोई काम अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। उससे आप जो है आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड भी होंगे। सप्ताह के अंतिम दो दिनों में थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है। शुक्रवार शनिवार को यात्रा में विशेषकर इन दो दिनों में सावधानी रखिए और ऐसा मत कुछ बोलिए जिससे किसी को बुरा लग जाए। इसलिए सप्ताह के अंतिम दो दिनों में थोड़ी सी सावधानी कार्यों में और अपनी वाणी पर रखना है। पंडित जी, मकर राशि के जातकों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या कुछ उपाय करने चाहिए? देखिए, मकर राशि के जातकों को चूंकि शनि आपकी ही राशि में प्रवेश कर गए, इसलिए शनि का दान कर दीजिए। एक बार शनि का दान करने से आपके काम जो है बड़ी तेजी के साथ हो जाएंगे। और क्या नहीं करना चाहिए? अधिकारियों या सहकर्मियों से विवाद नहीं करिए, उसको बढ़ावा मत दीजिए, नहीं तो वो मुश्किल दे सकता है। जी, निश्चित तौर पर अधिकारियों और सहकर्मियों से विवाद नहीं करें, नहीं तो मुश्किल हो सकती है। पंडित जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में थोड़ी सी सावधानी आपको रखना है, क्योंकि शनि की साढ़े साती से आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव, कार्य अवरोध हो सकता है। देखिए, आपको जोश में कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर आप किसी के बहकावे में आकर या लोगों के प्रलोभन में आकर कोई निर्णय लेंगे तो शनि की साढ़े साती में होता ही है कि शुरुआत में आप कोई निर्णय लेते हैं, बाद में साढ़े सात साल वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देता है, तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है। रही बात इस सप्ताह की, तो ये सप्ताह आपको अनुकूल फल प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण होगा, कहीं ना कहीं घूमने या पर्यटन पर आप जा सकते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, कोई उपहार या गिफ्ट भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस सप्ताह में आपको मित्रों और भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होता जा रहा है। हो सकता है कि कोई काम आपका ऐसा हो जो रुका हुआ हो और आपके भाई उसमें सहयोग करें और उससे आपका वो काम बन जाए। तो पंडित जी, क्या करें और क्या ना करें इस जाति के जातक? देखिए, कुंभ राशि के जातकों को शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और अब मैं उनको ये सलाह दूंगा कि अब प्रति शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि शनि की साढ़े साती शुरू हो गई है, आपको शनि की प्रतिकूलता समाप्त हो जाएगी। क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, हर काम में आप अपने शुभचिंतकों से सलाह अवश्य ले लीजिए, आपके जो वेल विशर है उनसे जरूर पूछ लीजिए और उसके बाद ही कदम उठाइए। निश्चित तौर पर शुभचिंतकों से सलाह लें, उसके बाद ही कदम आगे बढ़ाएं। तो पंडित जी, अब चलते हैं अपनी आखिरी राशि की तरफ, मीन राशि की बात करते हैं। क्या कुछ कहती है मीन राशि? देखिए, आप कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से खुद
खुद को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति आपकी गड़बड़ाई हुई है और जहां आपने पैसा दिया था, हो सकता है उधारी में दिया हो या कहीं इन्वेस्ट किया हो और वो समय पर मिलने वाला था लेकिन वो लेट हो गया है, इसके कारण आपका तनाव बन गया है, तनाव आपके ऊपर बढ़ा हुआ है और कहीं ना कहीं आपके काम भी उसके कारण रुक रहे हैं। तो सप्ताह के जो शुरुआती दो दिन है उसमें ये मुश्किलात नज़र आ रही है, विरोधी वर्ग का भी आपको जो है सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है आपके प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं कोई मुश्किल खड़ी कर दे और आंखों से संबंधित कोई समस्या भी आपको शुरुआत के सोमवार मंगलवार को हो सकती है। लेकिन बुधवार से समय आपका अनुकूल होता हुआ नज़र आ रहा है, कार्यों में अनुकूलता होगी और कार्य आपके जो है जो मुश्किलात थी वो समाप्त हो जाएगी, कार्य बनने लगेंगे, परिवार के सदस्य विशेषकर किसी महिला के सहयोग से आपके काम बनेंगे ये स्थितियाँ नज़र आ रही है। और प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई बड़ी योजना आप बना सकते हैं या बैंक से जो लोन लेना चाहते थे वो भी इस समय जो अटका हुआ काम था वो आपका हो सकता है। तो मध्य और सप्ताह का अंत अच्छा है, कहीं ना कहीं परिवार में हो सकता है कि कोई वाहन या कोई लग्जरी आइटम, हो सकता है आप एसी खरीदना चाहते हैं या फ्रिज खरीदना चाहते हैं, ऐसा कोई आइटम भी आप खरीद कर सप्ताह के अंत में ला सकते हैं। तो पंडित जी क्या कुछ सावधानियां और उपाय बरतनी चाहिए मीन जाति के जातकों? देखिए मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी जब भी आप घर से निकलें किसी काम के लिए निकलें तो अपनी माता या किसी बुजुर्ग स्त्री के चरण स्पर्श करके निकलिए, आपके जो काम है वो जो मुश्किलात है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। क्या नहीं करना चाहिए, देखिए मीन राशि के जातकों को अपरिचितों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विशेषकर यात्रा में। अगर यात्रा में वो अपरिचितों पर विश्वास करेंगे या कोई उन्हें कुछ अपना कुछ सौंपेंगे तो हो सकता है कि कोई मुश्किल खड़ी हो जाए। तो पंडित जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, आपने बताया कि अलग अलग राशियों के बारे में कैसा रहने वाला है उनका आने वाला सप्ताह और क्या कुछ उपाय और सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहिए हमारे पत्रिका टीवी के साथ में, हम फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।